sombra di muti, muti muca nel tu. Allora vai sai a tu. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइज, प्रीव्यू में आपने जो स्टेटस देखा, इस तरीके का स्टेटस आप देख सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन ये जो स्टेटस हम क्रिएट करेंगे वो हम VN एप्लीकेशन पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आपको VN एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर इजिली मिल जाएगा। और इस तरीके का स्टेटस आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है लॉफी सॉन्ग के साथ, ठीक है। तो अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। थोड़ा सा पार्ट आप स्किप करके चले जाओगे तो बाद में आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि VN एप्लीकेशन में आपको कोई भी XML या प्रीसेट नहीं मिलेगा। आपको वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप क्रिएट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल आपको देखने को हर रोज मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। साथ में आपको सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। सेकंड चैनल पर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और आपको इमेज सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर आपको यहाँ पे ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद अभी आपको यहाँ पे ऑडियो को ऐड करना है। टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे जाना है। म्यूजिक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे माई म्यूजिक पे जाना है, और आपका जो माई म्यूजिक लाइब्रेरी वहाँ पे चले जाना है, ठीक है। और अभी जो आपका यहाँ पे इमेज है वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। सॉरी, इमेज बोल रहा, जो आपका सॉन्ग है वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस ये जो सॉन्ग है इसको पूरा आपको यहाँ पे एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको 30 या 34 सेकंड तक रखना है, जितना सॉन्ग है उतना तक रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो सॉन्ग है इसको सिंपल से क्या करना है, टैप करके आपको पूरा इस तरीके से रख देना है इतना तक, ठीक है। सॉन्ग इतना तक है तो आपको इमेज को भी उतना तक रखना है, स्प्लिट करके बाकी पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो आप दिखाई दे रहे टैप टू ऐड स्टिकर एंड PIP, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है। फोटोज़ पे जाना है, आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का PNG आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टू फिंगर से जूम इन कर लेना है, आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसको भी आपको पूरे इस तरीके से आपको क्या करना है, एंडिंग पॉइंट तक लिखाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे टैप करना है, वीडियो एंड पे क्लिक कर देना है तो ये एंड पे चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, नीचे आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बीजी दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको यहाँ पे बीजी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज पे जाना है, ठीक है। ये जो ब्लर आपको यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पे 10 कर लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, फिर भी आप देख सकते हो ब्लर नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से नीचे लेके आना है, ठीक है। तब देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से कर लेने के बाद आपको ऊपर से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक करके इस तरह से राइट पे क्लिक करके इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव ओनली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद फोटो पे जाना है, और जो फोटो आपने इमेज को सिलेक्ट किया उस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है, ओरिजिनल पे क्लिक करके 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन था उतना तक आपको इमेज को भी लेके आ जाना है, ठीक है। 33.4 पॉइंट समथिंग था, तो हम क्या करेंगे, इमेज को भी उतना सेकेंड तक लेके चले जाएंगे। अगर बाद में थोड़ा सा कम बड़ा हुआ तो हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है।
इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिर से आपको टैप टू एड स्टिकर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो आपने सेव किया था इस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फिट ऑप्शन दिखाई देगा, फिट पे क्लिक करते हैं, आपका वीडियो इस तरीके से फिट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देख लेते हैं ड्यूरेशन कितना था जो पहले वीडियो को सेव किया था, ठीक है, इतना तक था। तो हम क्या करेंगे, इमेज को टैप करेंगे, स्प्लिट करेंगे, बाकी वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर जब दिखाई दे रहा है इस पर जो आपने वीडियो ऐड किया था ब्लर वाला वीडियो, इसको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको यहाँ पे क्रोमा का ऑप्शन दिखाई देगा, क्रोमा की इस पर सिलेक्ट करना है। क्रोमा पे आप सिलेक्ट कर देना है, इंटेंसिटी को इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है 70 और 73, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे वाले इमेज पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे जूम आउट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जूम आउट करके एडजस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। कर लेने के बाद आपको फिर से अभी यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है ये वाला आपको, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। वीडियो फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक PNG ऐड करना है, ठीक है। फोटो सेक्शन पे जाना है, अभी आपको यहाँ पे एक PNG ऐड करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक PNG ऐड करना है। टू फिंग आपको इस तरीके से जूम करके इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पे पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। टैप करोगे, एंड पे क्लिक करोगे, एंड वीडियो पे क्लिक करोगे, ये एंडिंग पे चला जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आना है, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। टैप करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टैप करके होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे लेके आ चुके हैं। उसके बाद इमेज पे क्लिक करके आप इमेज भी एडजस्टमेंट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इतना तक कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे जो प्लस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। वीडियो और फोटो पे क्लिक करना है। वीडियो पे जाना है। वीडियो पे जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर का आपको यहाँ पे टेम्पलेट ऐड करना है, ठीक है। और जो भी मैं फाइल यूज़ करूँगा सभी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से जूम इन कर लेना है, ठीक है, जितना तक आपको चाहिए कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको लाइटनेस स्किन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से इस तरीके से क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। राइट पर क्लिक कर देना है और जो आपने म्यूजिक टेम्पलेट ऐड किया था उसको आप इस तरीके से जूम इन करके एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और म्यूजिक टेम्पलेट जाते हैं उतना तक आपको यहाँ पे बाकी पार्ट रख लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे ये जो प्लस इस पर क्लिक करना है, फिर से वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है। अभी जो लिरिक्स वाला वीडियो है उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग पे जाना है और आपको यहाँ पे स्किन कर लेना है। आपको राइट पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे देख लेना आपका वीडियो जो है किस पॉइंट पे आपको यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमको यहाँ पे इस जगह पे एडजस्ट करना है, इस तरीके से जूम इन करके इस जगह पे हमको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। लिरिक्स के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टैप कर देना है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूरा एंडिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है, जहाँ पे आपका टाइमिंग है वो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। आप देखते हो पूरा यहाँ पे टाइमिंग एडजस्टमेंट है, आपको इस तरह से कर लेना, ठीक है। और जो लिरिक्स वीडियो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा डिले होता है कभी कभी, जब वीडियो आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हो अभी आ रहा है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर से एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितना भी आपको रिजोल्यूशन चाहिए आपको फुल करके आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और डिस्क्रिप्शन चेक करना, सब फाइल्स आपको मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।